दोस्तों कि आपका डॉग बार बार पेशाब कर रहा है या पेशाब में से खून उसको बार बार आ रहा है, तो ये सब जो समस्या है किडनी स्टोन होने का संकेत हो सकते हैं। तो फ्रेंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि किडनी स्टोन के लक्षण, कारण और उसका बचाव किस तरह से करना चाहिए। मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट, और डॉक्टर राहुल पेट के सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेंगे कि किडनी स्टोन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो किडनी स्टोन यानी पथरी, जिसे मिनरल और कैल्शियम के कठोर जमा होने की वजह से ये किडनी में भी होता है या फिर यूरिन का जो ट्रैक होता है उसमें बनना चालू होता है, तो ये यूरिन के फ्लो को ब्लॉक यहाँ पर कर सकता है, यानी जिससे डॉग बहुत ज़्यादा दर्द होता है और समय रहते अगर इसका इलाज ना किया जाए तो किडनी फेल होने की शंका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। सो अधिकतर इसकी परेशानी जो होती है यहाँ पर मिड एज डॉग में आती है या फिर कभी कभी ये उम्र ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ ब्रीड जो होती है स्पेशली डॉग की जो पाई गई है, जैसे डालमेशियंस, उसके बाद बुलडॉग और शिंजू, ये जो ब्रीड्स होती है इन ब्रीड में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आना चालू होती है। देखिए इसमें लक्षण जो होते हैं हमें जो मिलते हैं वो कौन से नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इसके लक्षण जो होते हैं जो आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला लक्षण, अगर आपका डॉग बार बार जोर से पेशाब करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पेशाब अगर नहीं निकल रही है, पेशाब करते टाइम अगर खून निकल रहा है गुलाबी रंग का या फिर लाल रंग का निकल रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। खाना डॉग ने यहाँ पर कम कर दिया या फिर बार बार कंटिन्यूस अगर उल्टियाँ हो रही है और थकावट और पेट में दर्द रह के करकरा अगर रहा है तो आपको यहाँ पर सतर्क रहने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डॉग को पेशाब करते समय डॉग रो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, तो तुरंत आपको वेट को दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स अभी हम समझ लेंगे कि किडनी स्टोन जो होता है उसके कारण कौन से होते हैं और उसमें समस्या या आती है तो किस वजह से आती है। देखिए डाइट में अगर प्रोटीन अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम यहाँ आना शुरू हो जाती है। डॉग अगर आपका बार बार काफ़ी कम पानी पी रहा है तो उसके वजह से भी किडनी स्टोन होने की आशंका होती है। बहुत बार ये जो होता है जेनेटिकल होता है, अगर मॉम डैड को अगर होता है तो ये बच्चों को भी यहाँ तो होता है। उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है या फिर बार बार रुकावटें अगर आ रही है ट्रैक में तो उसके वजह से भी यहाँ पर होता है। नाउ इसका डायग्नोसिस हमें किस तरह से करना है, देखिए वेटनरी डॉक्टरों के यहाँ पर सबसे पहले दिखा दीजिए, डॉक्टर्स की जांच करेंगे, उसमें यूरिन के टेस्ट होता है, क्रिस्टल और इन्फेक्शन के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो आपके डॉक्टर करेंगे। उसके बाद एक्सरे में यहाँ पर इजीली पता चल जाता है बड़ा अगर स्टोन है तो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में भी यहाँ पर इजीली पता चल जाता है कि आपके डॉग के ब्लड में स्टोन है, किडनी में स्टोन है या फिर यूरिन ट्रैक में स्टोन है, ये इजीली हम यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट भी हमें यहाँ पर ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है किडनी स्टोन की जो भी यहाँ पर संकेत है पता चलता है। उसके बाद इसके बचाव के उपाय हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए किडनी स्टोन बचाव के लिए जो तरीके होते हैं उसमें हमेशा ध्यान में रखें, डॉग को हमेशा साफ सुथरा पानी आरओ का जो है वही देना है, संतुलित डाइट यहाँ पर डॉग को हमेशा देना है, वेट की सलाह से दे, मिनरल से भरपूर फूड जो होती है या फिर एक्स्ट्रा मिनरल्स कैल्शियम सप्लीमेंट हम बहुत बार देते हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। रेगुलर चेकअप खासकर स्पेशली जो बीट जो होती है रिस्क के लिए होती है और डॉग जो बड़े होते हैं सेवन ऊपर के ऊपर जो डॉग होते हैं उनका हमेशा हमें ब्लड टेस्ट यहाँ पर करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स अभी आप ध्यान में रखिए किडनी स्टोन जब भी होता है तो डाइट में चेंजेस जो होते हैं हमें आपको इमिजिएटली यहाँ पर नहीं करना है, मेडिकेशन जो होती है हमें डॉक्टर की सलाह से ही यहाँ पर करवाना है। तो फ्रेंड किडनी स्टोन में इसका कौन सा इलाज होता है, देखो अगर डॉग को किडनी स्टोन यहाँ पर हो जाएगा तो सबसे पहले डाइटरी चेंज हमें यहाँ पर करना चाहिए जिसकी वजह से स्टोन भी यहाँ पर गला सकते हैं, स्पेशली किडनी फेलियर के लिए स्टोन गलाने के स्पेशली यहाँ पर रिकवरी फूड चाहते हैं हम आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मेडिकेशन, में होम्योपैथिक होती है एलोपैथिक मेडिसिन होती है, इससे हम यहाँ पर स्टोन जो होता है उसको गला सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर यहाँ पर डॉग का अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है या फिर मल्टीपल स्टोन है तो वो रिमूव करना काफ़ी ज़रूरत है, उसके लिए हम सर्जरी यहाँ पर कर सकते हैं या फिर लिथोट्रिप्सी कहते हैं, यानी बिना चीरा काटे यहाँ पर हम यहाँ से लिथोट्रिप्सी से स्टोन जो होता है वहाँ पर फोड़ कर वहाँ पर उसको बारीक बारीक टुकड़े कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी इसमें काफ़ी अच्छी काम करती है, तो इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस ठीक है, इसमें मदर टिंचर आपको ले लेना है, तो 10 से 15 बूंदे 20 ml पानी में मिलाकर दिन में 3 बार आपको करना है। उसके बाद दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कैंथरिक्स 30 पोटेंसी वाली ठीक है, तो आपको 2 बूंदे दिन में 3 बार सीधे मुंह में ड्रॉप डालनी है। तीसरा लाइकोपोडियम, ये बहुत अच्छे काम करते हैं, 30 पोटेंसी यूज करनी है, 2 बूंदे दिन में 2 बार यहाँ पर सूजन और यूरिन में जो रुकावट हो निकालने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद सरसा पीरियला 30 पोटेंसी आती है, ये 2 बूंद दिन में 2 बार पथरी के इलाज के लिए और दर्द के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। उसके बाद इसमें पेरीपेरिया ब्रेविया ठीक है, इसमें एक मदर टिंचर लेना है आपको, 10 बूंदे 20 ml पानी में मिलाकर यूरिन करते समय जब जलन होती है तो उसके लिए काफ़ी असरदार होती है, तो आप ये इजीली यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, किडनी स्टोन जो है काफ़ी गंभीर बीमारी होती है, लेकिन समय रहते हैं इसको पहचान हो जाती है और इसका अगर इलाज हो जाता है तो आपकी डॉक्टर यहाँ पर जान आप इजीली बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपकी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट कुछ प्रॉब्लम है जो काफ़ी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपनिंग के देख रहे हो, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद इस तरह से हम यहाँ क्यू आर कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।